दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल फोन को रात भर चार्ज में लगाकर छोड़ दे तो क्या होगा? दोस्तों, ऐसा करना कितना सही है और कितना गलत? दोस्तों, आप अपने मोबाइल किस समय चार्ज करते हैं? आप अपने मोबाइल को रात भर चार्ज में लगाकर छोड़ देते हैं कि इससे बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी या फिर मोबाइल में विस्फोट होने का खतरा रहता है? मोबाइल चार्जिंग को लेकर ऐसे तमाम सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। इस तरह की बातें में कितनी सच्चाई है, तो दोस्तों आइए जानते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये बेहद सुविधाजनक ऑप्शन होता है कि रात भर मोबाइल को चार्ज में लगाकर छोड़ दे, फिर दिन भर मोबाइल को इस्तेमाल करते रहे। मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज होने में 6 से 8 घंटे तो लगते नहीं होंगे। तो फिर क्या होता है जब बैटरी कुछ समय बाद 100% चार्ज हो जाते हैं, तब क्या चार्जिंग लेना जारी रखते हैं? ज्यादातर इस बात को लेकर सतर्क रहते होंगे, लेकिन रुकिए जनाब, जमाना स्मार्टफोन का है, तो आपका मोबाइल भी अब स्मार्ट हो चुका है, जिसे आप भरपेट भोजन करने के बाद और ज्यादा नहीं खाते, उसी तरह आपका स्मार्टफोन भी 100% चार्ज होने के बाद चार्जिंग लेना बंद कर देते हैं। पहले की स्मार्टफोन में भले ही समस्या थी, लेकिन अब नहीं। वैसे तो दोस्तों, आजकल के स्मार्टफोन में चार्जिंग सर्किट लगी होती है जो 100% चार्ज होने के बाद सप्लाई लेना बंद कर देता है। ज्यादातर स्मार्टफोन में अब स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा होता है और ये इतना ज्यादा स्मार्ट होता है कि मोबाइल बैटरी के फुल चार्जिंग होने के बाद ये चार्ज लेना बंद कर देता है और जैसे बैटरी 90% तक आती है तो ये फिर से चार्जिंग लेना शुरू कर देता है। दोस्तों, चार्जिंग के दौरान मोबाइल के गर्म होने पर भी बहुत लोग डर जाते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है। एक्सपर्ट बताते हैं कि लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग के दौरान एक केमिकल रिएक्शन से गुजरता है और बैटरी के पॉजिटिव प्लस चैम्बर में मौजूद एक नेगेटिव माइनस चैम्बर की ओर फ्लो करते हैं। इस प्रोसेस में बैटरी गर्म होती है और मोबाइल भी बैक साइड से गर्म हो जाते हैं। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि मोबाइल को रात भर चार्ज में लगाकर ना ही छोड़े तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, चाहो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।